बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की रविवार आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सप्ताह का प्रथम दिन हम मसीहियों के लिए यीशु मसीह की याद, विशेषकर रोटी और दाह रस से भाग लेते हुए करने का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के किसी भी पल, उनके जीवन पर शोध करने वालों के लिए आश्चर्यजनक बात अवश्य होगी जब याद करते हैं। वचन से हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ तक प्रभु की खामोशी भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। अतिरेज सुसमाचार 27 की 14वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोमी राजपाल पिलातुस के दरबार में हुई एक घटना का जिक्र हम यहाँ देख रहे हैं। यहूदियों के प्रधान याचक और पुरनीय यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे ताकि प्रभु को क्रूस पर चढ़ा सके, परंतु उनके आरोपों के प्रति प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। मत्ती अध्याय 27 पद 11 और 12। पिलातुस इस बात से पूर्ण रूप में अवगत था कि यीशु पर वे लोग इसलिए आरोप लगा रहे थे कि वे प्रभु से डाह कर रहे थे। मरकुस 15:10। अर्थात पिलातुस पूर्ण रूप में इस बात का जानकार था कि यीशु मसीह निर्दोष है। रोमी नियम के अनुसार अदालत में पेश किया गया एक आरोपी को स्वयं या वकील के द्वारा न्यायाधीश के समक्ष ये कहना होता था कि वो निर्दोष है यदि वो स्वतंत्र होना चाहता हो, अन्यथा निर्दोष होने पर भी न्यायाधीश उसको स्वतंत्र नहीं कर सकता था। इसलिए ही पिलातुस प्रभु को याद दिला रहा है कि यदि प्रभु मुंह खोलकर अपना बेगुनाह होना कहेंगे तो पिलातुस उनको छोड़ सकता है, यूहन्ना 19:10। परंतु प्रभु ना ही ये कहा कि वो बेगुनाह है, ना ही वह उन्हें स्वतंत्र करने का गुहार किया पिलातुस से। वह खामोश रहा। उनकी खामोशी यहां तक पिलातुस को भी आश्चर्यचकित कर दिया। अत्यधिक भयानक, निंदाजनक और दर्दनाक क्रूस की मृत्यु से बचने का मौका मिलने से कौन बचना नहीं चाहेंगे? हर कोई चाहेंगे। कौन स्वेच्छा से क्रूस पर मृत्यु सहना चाहेंगे? कोई नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह खामोश रहा, क्योंकि वह क्रूस की मृत्यु सहने के लिए स्वयं समर्पित करके जगत में आया था। चारों तरफ से बुरी बुरी बातों से लोग बदनाम करते समय भी, सेवगाई में रुकावट एवं बाधा उत्पन्न करते समय भी, व्यक्तिगत रूप में मैं कहूं तो मेरे जीवन में यीशु मसीह की यह खामोशी मुझे उन बदनामियों को चुपचाप सहने की अत्यधिक सामर्थ्य प्रदान करती है। यीशु मसीह की खामोशी यहूदियों से प्रश्न करने के लिए पिलातुस को मजबूर किया। बड़ी नाराजगी के साथ पिलातुस यहूदियों से पूछता है, उसने क्या बुराई की है? मत्ती 27:23। परंतु यहूदियों ने पिलातुस के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उल्टा वे चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसके अलावा वे क्या जवाब देंगे? उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वास्तव में यहूदी को पिलातुस से कहने की बात कुछ और थी। हे हाकिम पिलातुस, हे हाकिम पिलातुस, यीशु में कोई कसूर नहीं है, वो बेगुनाह है, पाप तो हम किए हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर इसलिए चढ़ाना जरूरी है क्योंकि उनकी मृत्यु हमारी अनिवार्यता है। यदि उनकी मृत्यु नहीं होती हो तो हमें पाप का अनंतकालीन दंड उस आग की झील में अनंतकाल मृत्यु सहनी पड़ेगी। हमें उस भयानक अनंतकालीन आग की झील से बचना हो तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हाकिम, निर्दोष बेगुनाह परम पवित्र यीशु को क्रूस पर चढ़ाइए, क्योंकि उनके लहू बहने में हमारी पाप क्षमा है।
उनके दर्द सहने में हमारी शांति है, उनकी मृत्यु में हमारा जीवन है, उनकी खामोशी में हमारी मुक्ति है, क्योंकि वही हमारा एकमात्र उद्धार करता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आइए यीशु मसीह के पद कमलों में हम भी गिरते हैं। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा, ओ सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा, वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा, वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा, बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है।